और बाकी वो आप देख सकते हैं कितना लोग है भाई यहाँ पर यार। ईद का दूसरा दिन में इतना बंदा आया हुआ है। बेगम लियाकत अली खान, राना लियाकत अली खान। पब्लिक म्यूजियम नहीं मिल रहा हमारे को, हम ख्वार हो रहे हैं म्यूजियम नहीं मिल रहा हमारे को। ये देख लो भाई, एक ही कायदे मेरा आज काम आ रहा है। पब्लिक ये दोनों बच्चे, ये देखो मेरे अपने पब्लिक, ये कायदे आजम के बर्तन है जिसमें वो नाश्ता किया करते थे। हाय 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 कायदे आजम, तुम तो बड़े मजे करे भाई। ये आप देख सकते हैं निकल चुके हैं और निकलने के बाद वो सामने मजार कायद, और आपको वहाँ जाके उसका व्यू चेक कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई हम लोग आ गए हैं कायदन के मज़ार, और मज़ार में आने में बड़ा ही टाइम लगा और बहुत ही रश था यार आवाम का, बहुत ना पूछो तो बहुत ज़्यादा ही रश था। तो आप लोग मज़ार में भी पीछे चेक कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर कितनी आवाम आई हुई है भाई। ईद का ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन का मेरा ब्लॉग है। पहला ब्लॉग तो आपने देखा होगा, बड़ा ही शॉर्ट ब्लॉग था, माजरत उसके लिए। बाकी मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे साथ कौन कौन आया हुआ है भाई। ये हैं हमजा भाई, क्या हाल है। आरिश, जानते तो हो ना, भूल तो नहीं गए। हाँ भाई, आरिश भाई इतनी आवाम आई है। वेलकम साकिब भाई का यूट्यूब चैनल, भाई को सपोर्ट करो। और बहुत आवाम आई हुई है बाहर, रोड पे इतना रश था, तो भाई आवाम चेक कर सकते हो आप। अभी आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू कायदे के मज़ार का, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। भाई तो मैं आ गया हूँ भाई मदार के ऊपर साइड्स, और यहाँ पर मैंने रखी चप्पलें रखवाने के लिए बड़े टाइम लगा, बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन है। जैसे कि आप, मैं आपको दिखा चलूँ, ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी लाइन लगी हुई है चप्पलों पर भी। मैं मदार पर जाके ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं यार, ये लोगों ने रस्सियाँ लगाई हुई हैं जैसे कि आप देख रहे हो। ये रस्सियाँ इन लोगों ने लगा कर रखी हुई हैं ताकि कोई बंदा ऊपर नहीं जाए। आज थोड़ी पाबंदी हो रही हुई है। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर भाई यहाँ से ये अंदर एंट्रेंस है, और यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पर कब्रें हैं, और यहाँ पर अच्छा ये कब्रें हैं। पहली देखते हैं किसकी कब्र है, ये क्या लिखा है भाई। बेगम लियाकत अली खान, राना लियाकत अली खान। मोहतरमा नूरुल अमीन, सही। पब्लिक हमारे साथ हो गया, हम समझे कि म्यूजियम में आएंगे, यहाँ तो कब्रें हैं, चलते हैं म्यूजियम। पब्लिक म्यूजियम नहीं मिल रहा हमारे को, हम ख्वार हो रहे हैं, म्यूजियम नहीं मिल रहा हमारे को। देखते हैं, कोशिश करने वाली में कभी हार नहीं होती। ओ भाई साहब, पब्लिक देखें कितने लोग हैं इधर, कुछ चिकने ठंडे चिकने बच्चे आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग भाई। मेरा ख्याल तो ये जगह है म्यूजियम की, यहाँ देखते हैं हम लोग जगह पे। ये है शायद, ये हाँ ये म्यूजियम ही है। बड़ों और बच्चों क्या है ये भाई, ये एंट्री फीस है भाई यहाँ पर 10 रुपये। और ये देख लो भाई, ये एक ही कायदे तो मेरा आज काम आ रहा है। पब्लिक के दोनों बच्चे हैं, ये देखो मेरे अपने 100 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, ये बच्चे हैं दोनों भी। अच्छा तो हम तो टिकट आ गई है, ये रे चलो भाई 10 रुपये, आ जाओ सस्ता कह रहे हैं। आ गई, देख लो भाई ये टिकट। पब्लिक तो लेट सी, देखते हैं आप कैसा है म्यूजियम, आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या म्यूजियम। चलते रहो, भाई म्यूजियम के अंदर एंट्री, और एंटर होते ही भाई आपको बहुत रश है, बहुत लोगों की तादाद है इधर, गर्मी ऐसी हो रही है। और ज्यादा बाकी चीजें पहले देखते हैं कि क्या क्या भाई म्यूजियम में क्या है, क्या हस्ती कहाँ है भाई, इसकी तो वैल्यू है। या ये कटोरी है, और ये कटोरी में रखेंगे हम पैसे बहुत सारे। माशाल्लाह आरिश,
तेरे लिए यहाँ चीजें हैं, यहाँ से एक कटोरी उठा ले, अपना कारोबार रखेंगे। अच्छा तो ये क्या है? ये घर के बर्तन। बोली ये कायदे आजम के बर्तन है जिसमें वो नाश्ता किया करते थे। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। आज आजम करो, यहाँ बर्तन है, ये घर के बर्तन है भाई। ना वो अपनी फिल्म से बैठ के वो करते थे नाश्ता, हमारी वीडियो ना करते थे फिल्म से बैठ के। अच्छा ये क्या है भाई? ये है इनकी डिग्रियाँ, और डिग्रियाँ ये चेक करो भाई। कायद आजम मोहम्मद अली जिना, पाकिस्तान फॉर्मेशन। ये इसमें कायद आजम की बच्चियाँ बेची थी, चिट्टियाँ बेची, चिट्टियाँ चेक करो यार। आज चलो यार, ये म्यूजियम की चीज़ है यार भाई, चेक करा म्यूजियम। कायद आजम अपनी लाइब्रेरी में स्टडी ऑफ मुंबई। हेलो, डबल डोर चेक करो यार आप। हाय 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 हाय, कैसी है ये डबल डोर? मैं आपको कुछ बताऊं, क्या क्या हाँ बताओ। ओ भाई वाइट वाली चेक करो यार। और इस कार में वो अपनी बेगम को घुमाने लेके आते थे। नहीं है अरे, मैं ऐसी कार बनवा लूँ। कर जूम करो वहाँ पर, कायद आजम की जाती कार सही है। ये है इसका फ्रंट लुक, क्या लिखा है भाई? हाय 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 हाय, कायद आजम तुमने तो बड़े मजे करे जवानी में। हाँ 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 हाँ, कायद आजम का तेरी फेस मुझे तो चेक करो यार आप। ये तो चमक चमक कैसे रही है? लॉ कोट और एक और थ्री पीस। ये उनका तीसरा ड्रेस है जो ये पहन के अपने आप को शाहरुख खान समझते थे। और ये इनकी पड़ी है छतरी, जब बाजी होती थी ये भीग जाती थी छतरी में। और ये इनकी लाठी है जिससे वो बच्चों को भगा देते थे कि शोर नहीं करो। अच्छा, बच्चे भी पढ़ा देते हैं। और ये इनकी ट्राउजर ही क्या है, ये पैंट है या जो दूसरा सोने वाले कपड़े। चलो 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 आगे चलो। अरे भाई पहले यार चेक करो जूते लगे हुए हैं। ये सो क्या जूते हैं यार, कमाल ही है। मैंने एक जोड़ी ले लेते हैं। 100-150 160 पब्लिक। और इनकी बिल्कुल छोटी डंडी वाली बंदूक जो गोली निकलती है और निकल ही जाती है। पबजी का कट्टा। चलो 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 भाई, अभी बाहर आ गए हैं। तेरे को पसीने जितना आ रहे हैं, बहुत हफ्ता अंदर। अभी दिखाते हैं आपको लिफ्ट जो कायद आजम ऊपर आते थे, चांद चक्कर मार के आते थे। आओ चांद भी आते थे लिफ्ट के अंदर ही। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, पब्लिक बहुत गर्मी है, पब्लिक बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं है यार, ऐसे ऐसे तो कुछ है नहीं म्यूजियम में। बस पब्लिक ये देखो, कोई पंखा नहीं है यार। ये आप लिफ्ट चेक करो भाई, यहाँ से एंट्री मारते थे डायरेक्ट चांद, फिर दोबारा नीचे, और अब चांद से ऊपर चलेगा। अल्लाह उनकी बख्शी फरमाए, बख्शी जरमा। लेट्स सी, अभी आपको दिखाते हैं दूसरा व्यू। और अब आगे निकलते हैं यार, यहाँ से बाहर ही चलते हैं फिर। बस बोले भाई बहुत हो गई, इतनी बकवास भी अच्छी नहीं होती। तुम भी आवाम आवाम भी बहुत आई हुई है यार। अच्छा तो पब्लिक, यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं और अब जाने की तैयारी हो चुकी है। चप्पलें वप्पले भी हम लोग को मिल चुकी हैं, देख सकते हैं आप लोग। बड़ा ही रश था, इस वजह से कोई वीडियो बनाने का कोई टाइम नहीं मिला। तो अब जा रहे हैं वापसी, मगरिब की अजाने का टाइम हो गया है, अजाने भी हो रही हैं। बहुत मज़ा आया, और भाई व्लॉग को एंड कर रहे हैं तो भाई को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। भाई को बड़ी मेहनत करता है, इतने सारे लोगों में कैमरा निकालना और वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही हार्ड है। बर्गर टेस्ट करते हैं, हवा वाइट का बीफ बर्गर। भूख ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा।